न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूँ आमिर ज़िया। तो जनाब हिज़्ब इख़्तिलाफ़ ने बहुत शोर मचाया, बहुत तेरी नारेबाजी की, बिल की कॉपियाँ फाड़ी, इत्तेजाज किया, लेकिन हुकूमत अपनी मर्जी की कानून साजी करने में कामयाब रही। आज की कानून साजी के दो अहम पहलू थे, पहला आला अदलिया के हवाले से और दूसरा तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, जिसे बढ़ाकर 3 से 5 बरस कर दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों ऐवानों में बड़ी सूरत के साथ जो है हुकूमत की तरफ से पेश करदा जो तरामीम है वो मंजूर हुई। दोनों ऐवानों ने आर्मी एक्ट 1952, एयरफोर्स एक्ट 1953 और नेवी एक्ट 1961 में तरामीम मंजूर की। इसके अलावा दोनों ही ऐवानों ने सुप्रीम कोर्ट में जजिस की तादाद जो है 17 से बढ़ाकर माशाल्लाह 34 करने का बिल भी मंजूर किया। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर देने का बिल भी जो है वो मंजूर हो गया। इसी तरह तेज रफ्तारी के साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी दोनों ही ऐवानों ने हज़्ब तवक्को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हिज़्ब इख़्तिलाफ़ की दीगर जमातों बशमूल जमीयत उलमाए इस्लाम ने तरमीम की मुज़म्मत की, लेकिन जाहिर है कि वो हुकूमती इकदामात को रोकने में नाकाम हुई। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जी हुकूमती उजलत और कानून साजी को बुलडोज करने की वजह से सियासी हिद्दत और महाजराई में मजीद इजाफा होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करते हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरामीम के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं दो मारूफ जो हैं दिफाई तजियाकार, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। जनाब हारिस नवाज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आई कैन हेयर यू। जी हारिस साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके ख्याल में क्या जरूरत थी कि तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जो है वो तौसी कर दी गई? देखें, बात यह आमिर के 3 साल का टेन्योर जो है इट वॉज रियली बहुत कम था। कोई भी आप, और ये एक पहले ये बात याद रखेंगे, इट इज नॉट फॉर वन पर्सन। जो भी आर्मी चीफ आएंगे उनके लिए 5 साल का ऐसा होगा। आप कोई पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं ले सकते थे, आपके लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सकते थे। आप था कि जो सिलसिला चल रहा है उसी तरह चलते जाए सेटअप इनर्शिया में, तो ब्रेक उसको करने के लिए ये बहुत अहम बात थी कि आप जब आते हैं आप चाहते हैं कि आपकी ऑपरेशनल पॉलिसी में, आपकी ट्रेनिंग पॉलिसी में, आपकी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, इससे आपकी पॉलिसी में इस्तेकाम भी आएगा और उसकी पॉलिसी को कंटिन्यूटी भी होगी, जो प्रॉब्लम हमेशा हो जाती थी। इस कॉन्टेक्स्ट पे अगर देखें तो ये बहुत ज़रूरी थी कि अभी जो भी आर्मी चीफ हैं वो 5 साल के लिए जब आते हैं, ही नोज कि मैंने कौन सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है और उसको फिर मैं पाए तकमील तक पहुँचा सकूँगा। होता यह था कि एक पॉलिसी बनी हुई है, आपने बनाई, अभी वो पाए तकमील तो नहीं होती थी, कि उसके बाद आप ये होता था कि आप चले जाते थे, नए चीफ आ जाते थे, वो भी ज़ाहिर है पॉलिसी में बहुत फ़र्क आ जाता, कंटिन्यूटी नहीं होती है। इसलिए सोच समझ के फैसला किया गया और ये मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत मुस्तकब होगा। इससे एक आपकी पॉलिसी होगी, मुल्क में इस्तेकाम के लिए भी ज़रूरी होगा और सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होगी कि आप जब वापस जा रहे हैं, चीफ बने, आपने पॉलिसी को पाए तकमील तक पहुँचाया, आपने चीज के देखा कि प्रोग्रेस क्या हुई है, व्हाट ऑल यू हैव डन इट, एंड व्हेन यू लुक बैक वाइल गोइंग यू फील वेरी सेटिस्फाइड कि वाकई मैंने ये काम किया और इससे हमारी फौज को ये फायदा हुआ कलेक्टिवली। अच्छा, इससे क्या हारिस साहब आप ये भी समझते हैं कि ये जो हर मरतबा एक कयास आ रही होती थी, जब 3 बरस कहते हैं ना पूरा होने से 6 महीने पहले से शुरू हो जाती थी कि एक्सटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, होगा नहीं होगा, ख्वाहिश है सिटिंग आर्मी चीफ की या उनसे तकाजा किया जाएगा, उनसे दरख्वास्त की जाएगी, तो क्या वो बात भी बंद हो गया कि जब 5 साल का टर्म हो गया तो यकीनी हो गया कि जनाब अब अगली मरतबा जो है वो मजीद एक्सटेंशन नहीं होगी? जी आमिर, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, हर दफा होता है 3 साल के बाद फिर आप जाके एक्सटेंशन हो रही हैं, उस पर 6 मगोइयाँ हो रही हैं, डिफरेंट बातें हो रही हैं। सो आर्मी चीफ इज वेरी क्लियर कि आई हैव गॉट अ 5-year मैंडेट, मैंने ये पॉलिसी जो मैं थ्रू आउट सोचता रहा, अब मैं पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन में कैपेसिटी में इस पोजीशन में हूँ कि मैं आप ये पॉलिसी लेकर आऊँ। 1-2 साल में आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको फॉलो किया, उसमें कोई पिट फॉल से कुछ सिस्टम और बेहतर करना था वो किया, एंड देन यू व्हेन यू लिविंग यू आर वेरी हैप्पी, कॉन्शियस क्लियर है कि आई हैव रियली कंट्रीब्यूटेड लॉट इन आर्मी पॉलिसी मेकिंग में या ऑपरेशन प्लान चेंज करने में या मैंने कोई और पॉलिसी बनाने। मैं पीसीआर से पूछूं भाई, डॉक्टर मारिया ने हमें ज्वाइन किया नहीं किया? जी मेरे ख्याल में डॉक्टर मारिया अभी तक हमारे साथ लाइन पे नहीं है। अच्छा हारिस साहब, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ कि आपके ख्याल में जिस तरह की इस वक्त सियासी महाजराई है पाकिस्तान में, और हमने देखा जो पहला रद्द मला है हिज़्ब इख़्तिलाफ़ का, यानी कि मैं तहरीक इंसाफ की अगर बात करूँ, उमर अयूब साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा ये अच्छी चीज़ नहीं है फौज के लिए या आर्म फोर्सेज के लिए, वो किस हवाले से ये बात कर रहे थे? उनका खुद भी ताल्लुक जो है ज़ाहिर है मिलिट्री फैमिली से ही है। जी
मुझे तो हैरानी है, देखें पीटीआई ने खुद तो तीन साल जन बाजवा का फिर तीन और एक्सटेंशन दी, तो ये बजाय इसके कि आप ये बिट्स एंड बीसीज में करते रहे, बेहतर नहीं कि आप एक पॉलिसी बन गई और ये कंटिन्यूटी इज नॉट वन पर्सन, जो भी आर्मी चीफ चाहे एयर चीफ होंगे, नेवल चीफ होंगे, आर्मी चीफ होंगे, ही वुड नो कि मेरे पास 5 साल है, मेरी प्रायोरिटीज ये हैं, मैंने पॉलिसी ये बना ली है एंड नाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट एंड आई हैव अ टाइम टू इंश्योर इसको और इम्प्रूव करने के लिए, और उसके बाद जब मेच्योर पॉलिसी हो जाती है देन आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अंदर, वॉर गेम्स के अंदर आप उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं खता कर रहा हूँ, वो डॉक्टर मारिया ने आखिरकार हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, मुझे पता है बहुत आपसे तकाजे हो रहे होंगे। मुझे ये बताइएगा, मैंने ये सवाल हारिस नवाज साहब से भी किया था और आपसे भी करूँगा, कि ज़रूरत क्यों क्यों पड़ी कि जी आपको जो है सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक दें, 3 की जगह 5 बरस करें जी? देखिए मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें देखने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि आपको पाकिस्तान का तारीखी पस मंज़र देखने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ जो आपको चैलेंजेस है बतौर रियासत। पहला चैलेंज तो ये है कि आपके पास सियासी अदम इस्तेकाम है और सियासी अदम इस्तेकाम के साथ साथ आपके पास पॉलिसी का भी अदम इस्तेकाम रहा है, और यही वजह है कि ये बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए और साथ ही साथ एक श्योरिटी के साथ आप आगे चलें, बजाय इसके कि जो है गैर आइनी तरीके जो है इस्तेमाल किए। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी है जो इस वक्त आपके ब्यूरोक्रेटिक एक तरह से आप कह सकते हैं अपनी जो है टॉप पोजिशन के ऊपर हैं। उससे एक तो आपकी कंट्री में स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि जब आपकी ब्यूरोक्रेसी में आपकी सियासी और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान ये एक वाज़े अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी शख्स यहाँ आए वो अगले 5 सालों के लिए है, ये मुद्दत जो है उनकी तकरीबन 5 साल है, तो उससे आपके पास एक स्टेबिलिटी आती है जो सिर्फ पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात यह है कि किसी भी सियासी हुकूमत को भी काम करने के लिए जरूरी है कि उनके भी जो दरमियान जो बाकी जो एक तरह से आप कह सकते हैं रियासत के बाकी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान भी थोड़ा सा बाहमी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर वो नहीं होती और आप आगे नहीं चलते तो आप बहुत सारे काम जो है जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की क्योंकि तरजीहात इक्तिसादी तरक्की है, उसके लिए स्टेबिलिटी की जरूरत है, उसके साथ साथ ये तमाम स्टेबिलिटी सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है अगर आप पास लीडरशिप स्टेबिलिटी। हमारी साहब ये इसी तरह की कमोबेश बात हारिस नवाज साहब ने भी की, आप भी ये बात करें कि मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है जिसके मुताल्लिक कोई दो राय नहीं हो सकती, पॉलिसीज में तसलसल की जरूरत है उसके मुताल्लिक भी दो राय नहीं हो सकती, तो क्या ही अच्छा होता कि इस इतनी अहम किस्म की तरामीम, क्योंकि जो हमारे आर्म फोर्सेज जैसे इदारे हैं तीनों सर्विसेज हैं वो तो बिल्कुल कहते हैं ना अबव द बोर्ड, उन पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए, तो अगर हुकूमत ज़रा सा मतलब है कि हिजब इख्तलाफ को इतमाद में ले लेते, एक कंसेंसस ब्रॉड बेस बना लेते, इतफाक़ राय से होता, तो क्या ये चीज़ अच्छी नहीं होती कि उन्होंने एक मुतनाज़ा दायरे के अदालत अजलिया के ऊपर जो आप कानून साजी करें उसमें तो एक लड़ाई हो ही रही है, तो उसके साथ नथी करके आपने एक बदमजगी बिला वजह की पैदा नहीं कर दी, महाजाराई में मतलब है आप लेकर नहीं आ गए आर्म फोर्सेस को भी एक तरह से? देखिए मेरे नहीं मेरे नहीं ख्याल से, देखिए बात यह है कि वो एक और एलिमेंट के ऊपर है जिसमें पावर बेस के ऊपर और आप उसको मतलब ब्रॉड बेस कर रहे हैं कि आप ये समझ रहे हैं कि शायद आपका वो सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। ये अगर आपको याद हो पाकिस्तान की तारीख को अगर आप देखें तो ये इससे पहले जो आपकी तारीख थी जो मुद्दत थी वो तकरीबन 5 साल तक ही थी, लेकिन 1971 के बाद जो है इसके अंदर एक तरह से फर्क लाया गया और फर्क यही था कि ये जो मुद्दत है इसको कम करके 3 साल कर देना चाहिए, लेकिन उसकी जो इम्पैक्ट आया पाकिस्तान के ऊपर वो कोई ज्यादा बेहतर नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत सारा एक तरह से आप देख रहे थे कि तगोदो भी था, बहुत सारी और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आपको देखने में नजर आए जिसमें आपके सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं जिसमें बहुत सारी और चीजें हैं, इसी तरह आपकी खारजा पॉलिसी अस्करी हिकमत अमरी आपकी बहुत सारे और मैटर्स जो है इफेक्ट हुए और बहुत सारी कुछ चीजें अच्छी हुई कुछ बुरी हुई लेकिन उसका इम्पैक्ट आवाम तक पहुंचा है, उसका इम्पैक्ट जो है इतना पॉजिटिव नहीं था जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए ये करना चाहिए। जहां आप बात करें कि जी हिजबे इख्तलाफ को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, यकीनी तौर पर उनको लेना चाहिए था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक गवर्नमेंट की डिसीजन है क्योंकि जाहिर है जमहूरी
उसी तरह चलती है जैसे जमहूरियत के तकाजे, और जो जमहूरियत के तकाजे हैं ये कोई मेजोरिटी वोट नहीं है, इट इज अ सिंपल वन पर्सन मेजोरिटी वोट, यानी कि 51% है। 51% का मतलब है इट्स बेसिकली 1%। सो अगर आप उस सिस्टम के अंदर 1% हैं तो आप वो अपनी पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं और आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं। उसमें कितनी हद तक दुनिया में होते हैं आपके पास होता है कर सकी है या नहीं जी, आप आपने दुरुस्त फरमाया कि हुकूमत के अख्तियार है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जी। लेकिन वो मेरी जो गुजारिश होती है कि इतनी अहम, क्योंकि एक कहते हैं कौमी अहमियत की चीज है, आर्म फोर्सेस सबकी है, स्टेट मतलब है, सारे पाकिस्तान को देखा चाहिए था। लेकिन देखिए हुकूमत का ये फैसला है, लेकिन बहरहाल जमहूरियत में जहां तक आपके पास स्पेस होगी वो पॉलिटिकल पार्टी वो आप इस्तेमाल करती हैं, कभी अपने मफाद में कभी उसके खिलाफ। अच्छा डॉक्टर मारिया साथ ही रहिएगा, मैं एक सवाल जरा हारिस साहब से कर लूं। हारिस साहब ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि इस्तादे दहशतगर्दी साहब मैंने इसके बाद जाना है, आप इजाजत देंगे तो। अच्छा चलें, अगर आपको मुझे अंदाजा है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मारिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया जी। हारिस साहब मेरा आपसे गुजारिश ये है कि हम देख रहे हैं कि इस्तादे दहशतगर्दी के हवाले से भी कानून साजी हो रही है और उस पर बहुत सारे लोग जो हैं इतराज़ कर रहे हैं कि जी इतना ज़्यादा इख्तियारात जो हैं वो नहीं देने चाहिए कि जी तीन तीन माह तक जो है मतलब है किसी को बगैर पूछे बगैर किसी उसके जो है जो इदारे हैं अपने पास रख सकें। उस पर हमने देखा कि तनकीद भी बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा हसास होकर तनकीद कर रहे हैं, क्या इसका आपसे आपको सबक क्या है इसका और इसकी क्यों इतनी ज़रूरत पेश आई कि इतनी इस किस्म की कानून साजी हो? देखें आमिर, बात यह है कि इस वक्त फिफ्थ जनरेशन वॉर पाकिस्तान के ऊपर है, द टोटल एनिमी का नैरेटिव, और कुछ हमारे लोग इनएडवर्टेंटली भी उसको फॉलो करते हैं कि क्रिएट अ खलीज पाकिस्तान आर्मी में और अवाम के अंदर डालो और उसके बाद फौज को कमज़ोर करो और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाओ ना, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन एक याद रखें, किसी को भी अगर उठाया जाएगा या किसी को अरेस्ट किया जाएगा, पहले से उसको बहुत फॉलोअप किया जा रहा होगा, उसकी सर्विलेंस हो रही होगी, उसका रिकॉर्ड लिया होगा, उसकी एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस आपके पास होगी, बेस्ड ऑन दैट दे उठाए। पाकिस्तानी शहरी हैं, सिर्फ उस सूरत में उनको अरेस्ट किया जाएगा, ये उठाया जाएगा जब एक बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस होगी, और अगर उसके खिलाफ बाद में कार्रवाई भी होती है तो फिर उसके खिलाफ केस भी बनाया जाता है। जो लोग दहशतगर्दी में या रियासत मुखालिफ इकदाम में मुलविस हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ कोई मतलब नर्म पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में अक्सर औकात जो है वो मिसयूज़ भी बहुत हो रहा होता है और लोगों को जो खदशा है कि उसमें कि जी जो आपके सियासी मुखालफिन हैं उनको कहीं मतलब इसका निशाना ना बनाया जाए, तो ये कैसे मतलब है कि एक श्योरिटी दी जाएगी कि नहीं जी मतलब जो सियासी मुखालफिन है जो हुकूमत की मुखालफत कर रहा है उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है या रियासती इदारों के ऊपर ज़र्ब लगा रहा है उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी यहाँ पर? आमिर देखें, कोई भी ऐसी बात कभी नहीं हो सकती है कि अगर वो सियासी बात कर रहे हैं, अपना नज़रिया सियासी बता रहे हैं, मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात कर रहे हैं, नोबडी स्टूपिड एनफ कि उसको इसको अरेस्ट किया जाएगा। इट इज़ ओनली जो रियासत के खिलाफ बात कर रहा है, मुसल्ला फौज के खिलाफ कर रहा है, मुसल्ला फौज में इंतशार, हारिस साहब माफ कीजिएगा, होता है हर जगह, आप कहाँ नहीं होती हैं, देखें वो होता है, लेकिन आप ये देखें सेल्फ डिनायल में रहने इतना मुनासिब है के खिलाफ बात कर जी। अब आपकी जो सबसे बिल्कुल मैं ऑनेस्टली फील कि अगर जी 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 देखें मैं ये कहता हूं कि अगर कोई आप उसी वक्त उसको अरेस्ट किया जाएगा उठाया जाएगा जो रियासत खिलाफ या मुसल्ला फौज में इंतशार फैलाने के लिए, उनके मोराल को अफेक्ट करने के लिए, उनकी ऑपरेशनल और ट्रेनिंग एफिशिएंसी को कम करने के लिए, आपके सामने देखें अगर ये अब जरूरी, अगर ये पहले होता 9 मई पे तो आप देखें आज ना आर्मी इंस्ट्रक्शन में कोई गया होता, ना निशान हैदर के जो उनकी यादगारें थी उनको किस तरीके से उनकी बेहरमती की गई, एमएम आलम का जहाज जो कि दुनिया में पढ़ाया जाता है एयर अकेडमीज के अंदर, उनके उसके ऊपर क्या किया गया, ये चीज़ों को खुद बात करना चाहिए और साथ इनको इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी होता है इसके लिए करने के लिए, नौ मई आइंदा के लिए फौज की तरफ बात न करें। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि रियासती इदारों के ऊपर जो हमला होता है वो नाकाबले माफी है, बस में मसला सिर्फ ये है कि हमारे जो हुकूमत है
वो उन केसेस को जो है कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा पा रही। कितने मतलब महीने हो गए, साल से ऊपर हो गया, लेकिन 9 मई की बात तो हो रही है, लेकिन जिन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो उसके जिम्मेदार हैं, जिनको मतलब सजा मिलनी चाहिए, उनकी अभी तक मतलब है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे हम वक्फा लेते हैं। हारिस साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मारिया का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। के बाद जब हम हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे जो आला दलिया के हवाले से हुकूमत कानून साजी कर रही है, और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तवज्जो है पैदर पे, तमाम मोहब्बत जो है कहते उमड़ कर जो है अदलिया पर आ गई है। क्यों आ गई है उस पर हमारे जो है वकला बरादरी क्या सोचती है, बात होती है वक्फे के बाद।